सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी सभी देशवासियों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे चैनल सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में। और आज का हम जो विज्ञान का टॉपिक लेने वाले हैं आज की क्लास में वो है धातु अधातु। ठीक, तो समय नष्ट ना करते हुए एक सेकेंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धातु, हम आज धातु की बात करेंगे। आज की डेट में आपको मैं वादा करता हूं कि आपका जो धातु वाला पार्ट है वो ये तो पक्का है कि क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं धातु किसको कहते हैं। ध से धातु और ध से धनायन, ये बात हमेशा याद रखना, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। धातु कौन से पदार्थ होते हैं? धातु वे पदार्थ होते हैं जो वैसे आमतौर पर अगर परिभाषा देखी जाए तो लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कॉपर यानी कि तांबा धातु है। हमारे देखा जाए तो आसपास जितने भी मजबूत चीजें हैं ना वो सारी धातुओं से बनती हैं, जबकि मुलायम चीजें जैसे प्लास्टिक वगैरह वो अलग होती हैं, वो अधातु होती हैं। और अगर विज्ञान की परिभाषा देखी जाए तो धातु वह पदार्थ होता है जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं मैं अभी बताऊंगा। जो भी गुण पाए जाते हैं वो सिर्फ धातु में ही होते हैं, अधातु में नहीं होते। एकाध अपवाद स्वरूप कोई हो सकता है तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, उसका कोई और कारण होगा, लेकिन प्राकृतिक अंदर से जो चीज होती है ना वो धातु में वो वही चीज होती है। तो देख लेते हैं जरा ध्यान से। धातु, धातु सदैव कैटायन यानी कि धनायन के रूप में होते हैं। धातु मैंने आपको बताया ध से धातु, ध से धनायन, ये कभी जीवन में बदल नहीं सकता। पूरी केमिस्ट्री में हर जगह अपवाद है लेकिन इस बात पे कभी अपवाद नहीं है कि धातु धनायन नहीं होते। धातु सारे के सारे धनायन होते हैं। अगर धातु शब्द आ गया तो वो धनायन ही होगा, यानी कि ऑल मेटल्स आर पॉजिटिव आयन या हम कह सकते हैं कैटायन। मैंने आपको पहले भी इसे नेक्स्ट क्लास में बताया था कि धनायन को हम लोग क्या कहते हैं, कैट आयन बोलते हैं, कैट आयन भी बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, तो ये तो धातु होगी, तो पहला गुण आप याद रखें। दूसरा गुण, धातुओं की हम भौतिक और रासायनिक प्रकृति दोनों देखेंगे। पहला हम देखेंगे भौतिक, बड़ा मजा आएगा आपको कि भौतिक प्रकृति से ही हम किसी धातु को अलग कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति या भौतिक उसके जो गुण होते हैं धातुओं के, बड़ा ही शानदार गुण होते हैं। तो धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में क्या पाई जाती है? धात्विक, धात्विक चमक, ये सिर्फ धातुओं में ही पाई जाती है, अधातुओं में नहीं होती। एग्जाम्पल, आप देखो जंग लगे हुए लोहे को भी अगर आप हल्का सा उसको कहीं घिस दो, कुछ भी कितना भी पुराना वर्षों पुराना लोहा हो हल्का सा उसको घिस दो तो देखिए वो शाइन मारने लगता है, यही गुण होता है। जबकि लकड़ी को घिस के देखना कभी भी शाइन नहीं, प्लास्टिक को घिस के देखना कभी भी शाइन नहीं मारता, ये सिर्फ धातुओं के गुण। एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, कुछ भी ले लो, आप उसको घिस के देखना है ना, अगर वो पुराना हो गया होगा, ऊपर से धूल मिट्टी जम गई होगी, कोई जंग लग गया होगा, कुछ लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप घिसेंगे तो वो ऊपर का परत हट जाएगा। ऊपर की परत जब हट जाएगा तो वो धातु अंदर से जिस कलर का होगा उसी कलर का वो शाइन मारेगा। जैसे लोहा है, आप हल्का सा, इसीलिए मैंने आपको लोहे का उदाहरण दिया था कि लोहे को हल्का सा घिस दीजिए आप, घिसने के बाद में क्या होता है उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, ये चमक धात्विक चमक कहलाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को अच्छे से गेन कर चुके होंगे कि हम उसको धात्विक चमक बोलते हैं। अच्छा, सेकंड बात, सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। हाँ हाँ, विद्युत के भी सुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। तो देखिए ध्यान से, विद्युत के सुचालक आप देखिए, हमारे घरों में जो तार होती है उसमें तांबे की तार होती है, ये ध्यान रखना, कॉपर की तार होती है। इसका मतलब विद्युत का बहुत बढ़िया चालक कौन कौन से पदार्थ होते हैं? या तो कॉपर हो जाएगा या फिर सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर भी बहुत अच्छा चालक होता है। दुनिया का सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक होता है वो होता है सिल्वर। यही कारण है कि जो स्विच होते हैं स्विच के टिप पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है ताकि जो हमारे यंत्र है वो जल्दी खराब ना हो पाए, यही रीजन है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चालक होता है, इसमें कार्बन नहीं जमता है, मतलब कि ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। तो फिर ये गर्म नहीं होता है, गर्म नहीं होता है तो जो अपने ऑपरेटर्स हैं वो पिघलते नहीं है, जो स्विचेस वगैरह होते हैं वो पिघलते नहीं है। और कॉपर थोड़ा सा कॉस्ट वाइज कम पड़ जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम, सॉरी ये जो अर्जेंटम होता है जिसको अपने चांदी बोलते हैं, ये कॉस्ट वाइज बहुत ज्यादा पड़ता है, जबकि कॉपर कॉस्ट वाइज कम पड़ता है। और इन दोनों की जो चालकता में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। इस वजह से जो तांबे के घरों में इस्तेमाल होने वाली तार होती है वो कॉपर की होती है, हालांकि जो सर्विस वायर होती है या जो खंभों पे तार लगी होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एल्यूमिनियम की, क्यों? एल्यूमिनियम के अपने गुण है। पहली बात तो इसमें शॉर्ट सर्किट कम होता है, इसके तन्यता का गुण इससे ज्यादा बढ़िया होता है, और दूसरी बात ये इसमें जब स्पार्किंग होती है ना, जैसे कॉपर में स्पार्किंग होती है, कॉपर बहुत जल्दी पिघल जाता है और कॉपर काला भी हो जाता है, इसलिए इसको डोमेस्टिक यूज के लिए रखते हैं।
जबकि जो एल्यूमिनियम होता है ये बहुत ज्यादा स्पार्किंग झेल सकता है, ये बहुत जल्दी इसमें कार्बन नहीं आता है। हालांकि कॉपर और एल्यूमिनियम का जोड़ हमेशा गर्म होता है, इसीलिए इसको कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं, वो अलग बात है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी वाले में लेकर चलेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि धातुओं में धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छा, धातु उष्मा के भी बहुत अच्छे चालक होते हैं, यही रीजन है कि घरों में जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर विद्युत का बहुत अच्छा चालक चांदी है तो फिर उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा हुआ? समझ गए होंगे आप, उष्मा का सबसे अच्छा चालक एल्यूमिनियम। यही रीजन है कि हम घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखो जो किचन होता है ना, किचन में उष्मा की जो चीज बहुत अच्छी चालक होगी, जो उष्मा को बड़ी तेजी से तुरंत गर्म हो जाती है, वो अपनी ईंधन को बचाएगी। तो जब अपना ईंधन बचेगा तो भाई ये तो अच्छी बात है। तो फिर उष्मा की बहुत अच्छी जो चालक चीज होती है उसी को हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं, किचन के जो बर्तन होते हैं, वो एल्यूमिनियम के ज्यादा बनते हैं। हालांकि कॉपर और जो ब्रास एक आता है, ब्रास एक एलॉय होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले यहां देख लेते हैं, ये तो दो गुण आपको पता लग गया, तीन गुण, कि धातुओं में धात्विक चमक होती है ना, धातु धनात्मक होते हैं, है ना, और धातु उष्मा के भी बहुत अच्छे चालक है, धातु विद्युत के भी बहुत अच्छे चालक है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत के चालक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये याद रखना कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करता है। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है और आ भी सकता है एग्जाम में। प्रश्न क्या है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, पहले प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। धातुओं का उष्मा का, आई एम सो सॉरी, एक्चुअल में क्या है कि हम बात कर रहे थे विद्युत प्रवाह की, तो विद्युत प्रवाह से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न बहुत ही शानदार है, आपकी स्क्रीन पर। विद्युत का चालन धातुओं में किस कारण होता है? विद्युत का चालन धातुओं में किस कारण होता है? चार ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। दूसरा, केटायन अर्थात धनायन होने के कारण। तीसरा, आयनों की उपस्थिति के कारण। या चौथा, उपरोक्त सभी। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर अवश्य दीजिए। 5 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम हम आपको देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएं। और जो जो लोग पिछले क्लास में कह रहे थे कि भाई मतलब कि हमें थोड़ा बेसिक चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो इससे पहले की जो हमारी क्लासेस है उसके अंदर बहुत सारे बेसिक दिए हुए हैं, जो सीरीज वाइज ही चल रहे हैं, तो उसके नीचे आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके देखा करें, आपको कई प्रकार की टेस्ट सीरीज और दूसरी सारी चीजें मिलेंगी, लिंक सारे अवेलेबल मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो देखिए जरा धात्विक, हाँ तो बात कर रहे थे इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट आपने आंसर दिया है, आप सबको धन्यवाद। ए ऑप्शन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर चीज में विद्युत प्रवाह की अलग अलग हिसाब किताब होती है, अलग अलग कहानी होती है, लेकिन धातुओं में नहीं होती। धातुओं में सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ये तो था। अब इसके बाद धातुओं का एक और गुण होता है, धातु सारे के सारे आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय, आघात, आघात का मतलब होता है चोट मारना। वर्धनीय, वर्धनीय, वर्धनीय मतलब बढ़ने वाले, चोट मारने पर बढ़ने वाले। अगर अगर आप किसी भी मतलब कोई भी अगर आपके पास धातु है, उस धातु को आप पीटते जाइए, हथौड़ी से पीटते जाइए, वो पतला होता जाएगा, अंत में एकदम पतली, एकदम शीट बन जाएगी। अर्थात धातुओं को मार मार के उसको चद्दर के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, इस गुण को मैलिएबिलिटी कहते हैं। मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आघात वर्धनीय अर्थात मैलिएबल। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन होता है? सोना। सोना इतना आघात वर्धनीय होता है कि हमारे जो महान साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने स्वर्ण पन्नी ली थी। उनको पता था कि जब किसी चीज को पतला करते जाए वो इतना पतला हो जाएगा कि उसमें परमाणुओं की बड़ी पतली स्तर हो जाएगी। तो मैं जांच कर सकता हूं कि अल्फा पार्टिकल से कि भाई अल्फा पार्टिकल इसको छेद के बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हुए थे, 60 लाख अल्फा पार्टिकल में से एक ही था जो यू टर्न लेके वापस आया था।
तब उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रत्याशित रिजल्ट तो मैंने कभी देखा नहीं है, तो मानो उस तरह से हुआ जैसे कि किसी टिश्यू पेपर से तोप का गोला टकरा के वापस आ गया हो। तो ये कमाल अकेले धातु की AU यानी कि सोने की परत ने किया भाई, ध्यान रखना। तो सबसे पतली शीट, क्योंकि सबसे ज्यादा मेलिएबल जो होगा वही सबसे पतली शीट बनाएगा, तो वो होता है सोना। हालांकि चांदी की शीट तो आप सब लोगों ने देखी होगी, इससे थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन इतनी पतली होती है कि आप हाथ लगाओ तो पाउडर हो जाएगी। जो मिठाइयों पे वर्क लगा होता है, जो मिठाइयों के ऊपर जो वर्क लगा होता है, वो सारा का सारा जो वर्क होता है वो चांदी का होता है। अब आप कहेंगे हम चांदी खाते हैं, तो भाई चांदी आणविक रूप में अगर हम लें, मतलब कि जो आणविक रूप में एकदम पाउडर की फॉर्म में, तो वो चांदी काफी फायदा पहुंचाती है। तो इस हिसाब से वर्क लगा दिया जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। बीच में कुछ गड़बड़ वर्क आने लग गए थे, अब तो वापस सही आने लगी। खैर जो भी था, ये अपने पास है इसके गुण। अच्छा, इसके बाद एक और गुण आता है जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। आप अगर किसी धातु को पीट पीट के पतला ना करना चाहे, वैसे आप देखिए दुनिया के जितने भी चद्दर बनते हैं ना, जैसे लोहे का चद्दर हो गया, चाहे किसी भी चीज की जो परत बनती है ना, वो इसी आघात वर्धनीय के गुण के कारण बनती है। अब उसके बाद वाला जो गुण होता है वो होता है तन्यता का गुण। तन्यता, तन्यता, तन्यता का मतलब आप किसी मशीन से किसी धातु को पकड़ के खींच दीजिए, कागज को पकड़ के खींचोगे तो कागज तो फट जाएगा, है ना। धातु को पकड़ के खींचोगे टूट जाएगा, पत्थर को पकड़ के खींचोगे एक तो पहली बार खींचेगा नहीं, बीच में से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने धातु को पकड़ के खींचा, मतलब अपने में तो इतनी पावर नहीं, अगर किसी मशीन से उसको खींच दिया, मशीन से अच्छे से खींच दिया, तो वो धातु खींच जाती है। खींचते 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 अंत में क्या हो जाएगा, एक पतले तार के रूप में बदल जाएगी। अर्थात हम धातुओं को तार के रूप में खींच सकते हैं। इस गुण को हम लोग बोलते हैं तन्यता, यानी डक्टिलिटी का गुण बोलते हैं। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वो तो था थिन शीट, ये हो गया वायर, यानी कि तार में बदला जा सकता है। इसी गुण को हम लोग धात्विक, मतलब इसी गुण को हम लोग कहते हैं तन्यता। और ये धातु का लाक्षणिक गुण है, जिसमें ये गुण होता है वही धातु होती है। प्लास्टिक को कभी मत खींचना, प्लास्टिक खींचोगे फट जाएगा, लेकिन लोहे को किसी मशीन द्वारा खींच लिया जाए तो वो चीज अपने आप बढ़ जाती है। आप अपने आसपास देखें तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है, जो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है, अर्थात सोना। सोना ही सबसे बढ़िया तन्य पदार्थ होता है। अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, 2 ग्राम या थोड़े बहुत सोने को यदि हम खींच दें तो उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। आई थिंक वहां थोड़ी कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से वो 10 ग्राम होना चाहिए। खैर आप एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैंने जो डिग्री लेवल की बुक्स में पढ़ा था वो तो यही लिखा हुआ था कि 10 ग्राम सोना, लेकिन NCERT में न जाने क्यों इन्होंने आई थिंक 1 ग्राम 2 ग्राम की बात की है। हालांकि वो कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा, लेकिन एक बार आप सर्च जरूर कर लेना ये चीज कि भाई कितने जो AU यानी सोना होता है उसको खींच कर कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT, इसीलिए मैंने ये शब्द बोला, अकॉर्डिंग टू NCERT लगभग 2 ग्राम गोल्ड को अगर आप खींच के उसको बढ़ा दो तो उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। यानी इतना ज्यादा आघात वर्धनीय, इतना ज्यादा तन्य और इतनी तेजी से ये फैलता है। अब ये इस पे प्रश्न तो आया नहीं, बाय द वे आ भी सकता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, अथवा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। दोनों का उत्तर एक ही होगा, AU अर्थात सोना, बाकी कोई भी इतना तन्य नहीं होता है। हालांकि तन्यता का गुण सभी में होता है, आघात वर्धनीयता का गुण सभी में होता है, लेकिन इतने नहीं होते हैं। अच्छा और देखिए ध्यान से, इनमें एक विशेष प्रकार की सारी की सारी जो धातुएं होती है ना, ध से धातु, ध से धान्विक, सारी की सारी धातुएं धान्विक होती है। धान्विक समझ गए होंगे आप, ध्वनि उत्पन्न करने वाली। तो अब आप कहेंगे क्या बाकी चीजें नहीं उत्पन्न करती है, ये देखो ये भी तो उत्पन्न कर रहा है टक टक टक, है ना। लेकिन माय डियर्स, धातुएं सुर उत्पन्न करती है, जो सारे गामा पा वाला जो साउंड है ना, उस साउंड को उत्पन्न करती है, अर्थात म्यूजिकल साउंड उत्पन्न करती है। लोहे में या सोने में या तांबे में या पीतल में, इनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, खनक होती है, धात्विक ध्वनि होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रिदमिक साउंड, अर्थात सुर निकलने वाला साउंड होता है, जो बाकियों में नहीं होता है। यही रीजन है कि मंदिर की घंटियां, स्कूल की घंटी, ये सब किसकी बनाई जाती है, ये सब किसकी बनाई जाती है, धातु की। याद रखना धातु का गुण होता है, धातु सभी धान्विक होते हैं। सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है ऐसी साउंड जो म्यूजिकल साउंड, इंस्ट्रूमेंटल साउंड जिसको अपने लोग बोल देते हैं, उसको अंग्रेजी में
सोनोरस बोलते हैं, सोनोरस। वैसे हमारे एक कहावत है, कान में सोनो सोनो रस घोलने वाली चीज क्या होती है, एक अच्छी साउंड होती है ना। तो यहां से आपको एक नई चीज मिल गई, सोनोरस का मतलब क्या होता है, मधुर ध्वनि, सात सुरों वाली ध्वनि। तो जो हमारे जो ये जो धातु होते हैं ये सब सात सुर वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप सोच के देखिए ना, आराम से भगवान आराम से बैठे हुए हैं एकदम मतलब ध्यान मग्न होके और पूरी दुनिया को देख रहे हैं, और हम गए मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद हमने मतलब सोचो घंटी होती है, घंटी बजाते हैं तो टन आवाज पूरी खनखनाती है, भगवान कहते हैं हा हा क्या बात है, क्या मधुर ध्वनि है। लेकिन सोचो अगर लकड़ी की वही होती या कोई और पत्थर वगैरह की होती तो आवाज आती टक, भगवान उठ जाते। मतलब कहने का मतलब क्या, समझिए कि इस साउंड में एक विशेष प्रकार का सोनोरस यानी एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हम लोग कहते हैं धात्विक ध्वनि। तो जितने भी धातु होते हैं उसमें धात्विक ध्वनि होती है। इसलिए मंदिर की घंटी हो, स्कूल की घंटी हो, चाहे वाद्य यंत्र हो, जितने भी वाद्य यंत्र बनते हैं, जितने भी वो टुनटुने जो बजाए जाते हैं, यू नो आई थिंक, मेरे को तो इतना नहीं पता, वो सारे के सारे जो है वो किससे बनते हैं, धातुओं से बनते हैं, है ना। जैसे वो हारमोनियम, उसमें भी वो धातु होती है वो जो बजती है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, वो माउथ ऑर्गन हो गया वो धातु का नहीं होता है। जल तरंग, वो जो पानी गिलास में भर के वो टिन 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 करके बजाते हैं, वो जल के ऊपर ऑर्गन पाइप वाले सिद्धांत पे काम करता है। ये दो चार अपवाद हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट धातु के बनते हैं, लेकिन अधिकतर इंस्ट्रूमेंट जो अधिकतर जो वाद्य यंत्र है ये धातुओं के बनते हैं। ढोलक धातु की नहीं होती है, देखो है ना, चमड़ा होता है उसके ऊपर जो बजाते हैं। तो धातु इतनी काम की है, तो धातु में धान्विक गुण पाया जाता है ना। इसको अंग्रेजी में मैंने बताई दिया, सोनोरस, कान में सोनो सोनो रस घोलने वाला साउंड उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गया धात्विक, ओके। अब उसके बाद में धान्विक। अब उसके बाद में एक और गुण आता है जिसके बारे में आप लोग को मैं बता दूं, गुण है अधिकतर धातु है। देखो एक तो धात्विक चमक होगी, अधिकतर धातु है सॉलिड होती है, सख्त होती है, कठोर होती है। धातुओं में कठोरता का गुण होता है, धातु में कठोरता, कठोरता का गुण होता है, ठीक है। एक हीरा अधातु है फिर भी कठोर है, और कुछ ज्यादा ही कठोर है, वो एक अपवाद स्वरूप आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो भी चीज कठोर होती है वो सारी धातुओं की बनी होती है, इसीलिए आज का युग धात्विक युग है भाई, ध्यान रखना। बड़े बड़े पुल लकड़ी के तो बन नहीं सकते, पत्थर के तो बन नहीं सकती, बड़ी बड़ी आरसीसी के बीच में क्या होता है, सरिया होता है, सरिया लोहे का होता है। आप देखो कितनी चीजें, मतलब इतनी बड़ी बड़ी भवन निर्माण, बिल्डिंगों का निर्माण, ये सारे उसी लोहे पर आधारित है। मतलब उसी लोहे से बीम बनाकर, और उसी लोहे से, मतलब इतना सख्त होता है और टूटता नहीं है। अगर आप उसके साथ ग्रिट का कॉम्बिनेशन कर दें वो नहीं टूट पाएगा, क्योंकि उसमें आघात वर्धनीयता वाली भी, क्योंकि धातु कभी टूटते ही नहीं है, धातु खींचते जाओ वो तो खींचते जाते हैं, है ना। उसके साथ अगर कोई मजबूत सब्सटेंस हो तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आरसीसी बनती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आज का युग जो धातुओं का युग है, क्यों, क्योंकि धातुएं कठोर होती हैं। अब धातुएं कठोर तो होती हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सभी धातुएं कठोर होती हैं। कुछ धातुओं को आप चाकू से काट सकते हैं, कुछ धातुओं को किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। उदाहरण स्वरूप सोडियम, एकदम मतलब सेव के जैसे होंगे, एकदम सेव जैसे काटते हो ना आप, बिल्कुल उस तरह से काट सकते हो, मैंने तो लैब में काटते देखा हुआ है। इसको अगर आप पानी पे डालोगे ना तो एकदम आग लग जाएगी, वो आग की तरह जलने। पुराने जमाने में ये जो अंधविश्वास और कुछ चीजें फैली थी, है ना, आप तो लोग शिक्षित हो गए हैं, है ना, सनातन संस्कृति को समझने वाले हो गए। पहले क्या होता था कि कुछ लोग मूर्ख बनाने के चक्कर में क्या करते थे कि ये जो सोडियम के पाउडर होता था इसे नारियल के ऊपर डाल देते थे अंदर, और उसके बाद उसको साइड में रख के उसके ऊपर पानी छिड़कते थे, फिर वो नारियल जलने लग जाता था। तो लोग सोचते थे कि हाँ भाई इसमें भूत है प्रेत है, तो ऐसा नहीं होता है। विज्ञान आपको इन चीजों से इन चीजों की व्याख्या देता है। तो आप देखिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखिए कि ये जो सोडियम है जो भी है ये चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है भाई। पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, ये सब बड़ी मुलायम धातु होती है। इसके अलावा सभी धातुएं लगभग लगभग ठोस होती हैं। सीजियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अच्छा, और जो पारा होता है आप सब लोग जानते हैं, पारे वाला तो क्वेश्चन है, बोर हो गए लोग पारे से, सबको पता है पारा जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। आपने देखा ही होगा वो थर्मामीटर के ऊपर, थर्मामीटर के अंदर भरा रहता है पारा। अब आपसे इसके बाद में सवाल पूछता हूँ, कुछ विशेष क्वेश्चन पूछता हूँ
उसके बाद हम इससे अपनी अगली क्लास में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात भी करेंगे। सवाल नंबर एक, जिसको आप अच्छे से बताएंगे, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं का विशेष गुण है? पहला आघात वर्धनीयता, दूसरा तन्यता, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब 5 सेकंड के अंदर दीजिए, समय देख रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, आपका समय समाप्त होता है, तो अब आप दीजिए जरा आंसर। क्या है इसका आंसर? बिल्कुल उपरोक्त दोनों धातुओं के लाक्षणिक गुण है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं एक और प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्योंकि 3 प्रश्नों का हमारा वादा रहता है। कुल मिला के एक 20 मिनट की वीडियो में आपसे कम से कम 3 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत की चालक धातु है? तांबा, एल्यूमिनियम, सिल्वर या सोना? जवाब, बिल्कुल आपका टाइम शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5। 100% इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा Ag, अर्थात चांदी। अब आप कहेंगे सोना क्यों नहीं है? अरे भाई, सोना एक्चुअल में मेल्ट जल्दी होता है। अच्छा, सोना जो होता है ना, क्योंकि हम सब लोग पढ़ते हैं कि भाई चांदी बहुत ज्यादा क्या होता है, विद्युत की सुचालक है। ओके, सोना 0 केल्विन पर सुपर कंडक्टर है, ये बात तो है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं उसकी कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, जबकि चांदी जो है हर ताप पर एक अच्छा कंडक्टर है। हालांकि ये सुपर कंडक्टर नहीं, अगर सुपर कंडक्टर की बात करें तो वो सोना है। तो मेरा एक सवाल यही था कि निम्नलिखित में से सुपर कंडक्टर है, इसका जवाब आप लोग जरूर देना। निम्नलिखित में से सुपर कंडक्टर है, पहला चांदी, दूसरा सोना, तीसरा उपरोक्त दोनों, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओ, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैंने बताया आपको कि निम्नलिखित में से सुपर कंडक्टर है और आपने लगा दिया सोना। एक्चुअल में सोना सुपर कंडक्टर है, लेकिन 0 केल्विन पर, है ना? तो अगर ये सवाल इस तरह से आएगी, 0 केल्विन पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु मतलब आपका सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करती है, तब जवाब आएगा सोना। फिलहाल तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? पहला चांदी में, दूसरा ग्रेफाइट में, तीसरा उपरोक्त दोनों में, चौथा उपरोक्त में से किसी में नहीं। आप इसका उत्तर दें, मैं पुनः एक बार काउंट करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा हाँ उपरोक्त दोनों, क्योंकि मैंने ये बताया कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है माना, लेकिन ये नहीं कहा कि सिर्फ धातुओं में ही होता है। क्यों भाई, धातुओं में नहीं होता? मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया था कि जो ग्रेफाइट होता है वो परतदार संरचना होती है, उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ढीले ढीले बने रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है भाई, वेरी सिंपल। तो जरूरी नहीं है वो एक अधातु है जो विद्युत का चालन करती है, बाकी सब धातुएं तो करती है, है ना? तो ये तो था आपका प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अब इसके बाद एक और छोटा सा प्यारा सा लास्ट प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, आपके ज्ञान को परखने के लिए कि अभी तक आपने क्या सीखा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है? पहला सोनोरस, दूसरा मेलिएबिलिटी, तीसरा डक्टिलिटी, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर तो आप पक्का ही दे देंगे 100%। जितने अगर छोटे बच्चे भी देख रहे हो 8वीं क्लास या 10वीं क्लास के, वो भी इसका उत्तर टाइप करो भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हाँ बताइए जल्दी से इसका क्या उत्तर होगा? उपरोक्त सभी, एकदम परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। तो बस आज की क्लास इतनी ही, आप सब लोगों से विदा कहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।